देखिए, चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं और पहले हमने कहा था हम चाहते थे चुनाव जो लोकल मुद्दों, चुनाव लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो पांच साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके पांच सात मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा विधानसभा का, विधानसभा के अंदर पांच साल में हमने काम कितने किए हैं, नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे, उसे 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में ध्यान में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला, इतनी बड़ी घटना हुई। ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। हमारे पास केस होता तो अभी तक तो हो सकता है सजा डिक्लेयर हो जाती है, कुछ नहीं किया इन्होंने। पर इश्यू क्या बनाए, नेशनल इश्यू बना दिया और तनाव में भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम, तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है। वही हुआ, हमने कहा था माई बाप जनता है, जो फैसला आएगा उसको हम बड़ी ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, वही बात हुई है। ठीक है सर, समीक्षा बैठक में आपकी तरफ से आप क्या मानते हैं राजस्थान? इस बात बोलो मैं आपको, क्या समीक्षा, क्या कारण रहा कि आप लोग समीक्षा? तो ही मैं कह रहा हूँ, मुद्दा रहा उन्होंने भड़काने वाले काम किए, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, संविधान की दर्जा उड़ा रहे हैं, ईडी इनकम रहे, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव छते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के घर में घुस गए, वैभव गहलोत को दे दिया नोटिस, दे दिया बुला लिया, ये डिस्टर्ब करना जानते हैं, पूरे देश के अंदर बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, जनता आज नहीं तो कल जवाब देगी इनको। सर, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहां क्या है? 6 दिन हो गए हैं, कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मंडी की, गोगा मंडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है, इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने, जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो, और अब इनकी पोल खुलती जा रही है, तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काय की बात करते हो कि हम हमारे पास में अनुशासन है, चाल चेहरे चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। भाई ए एन आई 7 दिन हो गए लगभग, 7 दिन में ये अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, इन पार्टी में बिखराव है, इस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अगर हमारी 6 दिन लग जाते, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। आज इनके 6 दिन तो पूरे हो गए हैं, चेहरा 3 राज्यों में घोषित नहीं कर पाए हैं, फाउल खेल के चुनाव जीत के आए हैं लोग, इन्होंने स्टेट के मुद्दे उठाए नहीं, और इस प्रकार से धार्मिक मुद्दे उठा करके 3 तलाक भी लेके आ गए, 370 भी लेके आ गए, राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर भी लेके आ गए, झूठ फैला दिया उन्होंने कि मुसलमान को 50 लाख, हिंदू को 5 लाख, इतने झूठ बोल बोल के चुनाव जीत के आए ये लोग। अब इनकी पोल खुलेगी जनता के सामने। नंबर 2, जो हमने शानदार स्कीमें पेश करी, शानदार कानून पास किए, शानदार गारंटी दी है, उस पर उन्होंने चर्चा ही नहीं करी। चुनाव विधानसभा के थे, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी पर व्यक्तिगत रूप से, चुनाव विधानसभा का है, विधानसभा चुनाव के आधार पर जो हमने काम किए नहीं किए, कमियां रखी हमारी स्कीमें में, कमियां हैं खामी है वो बताओ आप, उस पर चर्चा ही नहीं करी इन लोगों ने। तो आप सोच सकते हो चुनाव किस पर जीता गया है, पर चुनाव चुनाव होता है, हमने पहले ही कहा जनता माई बाप है, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, चुनाव जीत गए, हमने कहा जो भी परिणाम आएगा
विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे। नई गवर्नमेंट को जो कब बनेगी पता नहीं, उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, हम पूरा रचनात्मक सहयोग देंगे उनको, हम उम्मीद करेंगे उनसे। इतनी शानदार हमारी स्कीम है, इतने शानदार कानून, इतने शानदार गारंटी है, उस पर वो आगे बढ़े, जनता का भला करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। आज की बैठक तो रिव्यू बैठक होती है चुनाव के बाद में, हम लोग भाग लेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे भाई क्यों हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, उनकी चर्चा होगी उसके अंदर, फिर जो फैसला होगा वो हम सबको मंजूर।